चीन की यारी पाकिस्तान को पड़ी भारी। पाकिस्तान को देना होगा चीन को 11.5 मिलियन का मुआवजा। चीन के गुस्से को ठंडा करने के लिए पाकिस्तान करेगा भुगतान। चीन ने दी अपनी एजेंसी उतारने की धमकी, पाकिस्तान ने किया सरेंडर। कंगाली में आटा गिला, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही, क्योंकि जो पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा उसके सिर पर चीनी बम फूट गया। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो चीन को $11.5 मिलियन देगा, लेकिन जो पाकिस्तान घूम घूम कर पैसे इकट्ठा कर रहा है वो कहां से देगा इतनी बड़ी रकम। दरअसल पाकिस्तान को हाल ही में चीन की धमकी मिली थी और वो उसी से डर गया है। शहबाज शरीफ की सरकार ने दासू पनबिजली परियोजना में आतंकी हमले में हताहत हुए चीनी नागरिकों को अरबों रुपए का मुआवजा देने जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार 36 नागरिकों का मुआवजा देगी, जिसमें से 10 की आत्मघाती हमले में मौत हो गई, वहीं 26 अन्य घायल हो गए। कंगाली की हालत से गुजर रहे पाकिस्तान के मुआवजा देने में आनाकानी करने पर चीन ने काम बंद करने की धमकी दी थी। मुआवजे की राशि के संबंध में मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति यानी ECC ने यह फैसला लिया। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार ECC ने विचार विमर्श करने और चीन के साथ हमारे संबंधों की गहराई को ध्यान में रखकर सद्भावना के तहत कदम उठाते हुए सरकारी स्तर पर $1,16,00,000 के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान के पर्वतीय क्षेत्र में पिछले साल 13 जुलाई को विनिर्माण कामगारों को ले जा रही बस पर हुए आत्मघाती हमले में 10 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी और 26 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बता दें, चीन पाकिस्तान में जो परियोजना चला रहा दासू, उसका निर्माण विश्व बैंक के वित्तीय मदद से चाइना गेजो उबा कंपनी कर रही है और ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का हिस्सा नहीं है। चीनी कंपनी ने मुआवजे का मामला सुलझने तक स्थल पर अपनी गतिविधियां रोक दी। पाकिस्तान ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुआवजा देने की घोषणा की है, जिसके बाद कंपनी ने काम बहाल किया। इस हमले में 4 पाकिस्तानी नागरिक भी मारे गए थे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनके परिवारों को मुआवजा दिया भी गया या फिर नहीं। शहबाज शरीफ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती से बचने के लिए इस घटना को गैस लीकेज करार दिया था पहले, जिससे चीन भड़क गया। उसने CPEC की बैठक को रद्द कर दिया था और अब चीन से डरे शहबाज शरीफ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जो कहीं ना कहीं अपनी आवाम से गद्दारी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन ने पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला करने का पूरा प्लान बना लिया है और वो दिख भी रहा। अब देखना यह होगा कि कब चीन को पाकिस्तान करेगा भुगतान या फिर श्रीलंका की तरह अपनी सरकारी चीजों को चीन को लीज पर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।